दोस्तों पंचम पब्लिशर द्वारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ई बुक यानी पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कंप्यूटर एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक रेलवे पीएससी, पुलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा दोस्तों इस नोट्स में खास विशेषता यह है कि इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें दस प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सब्सक्राइबर के लिए फिफ्टी ऑफ चल रहा है मात्र पच्चीस की बुक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो उस लिंक क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट तो ये लीजिए दोस्तों आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गया हूँ जनवरी से दिसंबर 2018 तक के बेस्ट 500 हंड्रेड करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पिछले एक साल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए 2019 में यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें यदि आपका कोई भी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाए दोस्तों इसमें मैं काफ़ी सेलेक्टेड और जो सबसे चर्चित क्वेश्चन रहेंगे जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में फाइव क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें अंदर तक जरूर देख लें दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर ये हेल्पफुल होने वाला है और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेलाइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आए अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें इस वीडियो को तैयार करें दोस्तों काफ़ी समय लगता है काफ़ी मेहनत लगती है और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा शहर में भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दोस्तों भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वह राज्य जहां सरकारी कर्मचारी को डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया है दोस्तों पंजाब है जहाँ सरकारी कर्मचारी को डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया है ठीक है देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा फटाफट इसमें आप रिवीजन कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन है एशियन गेम दो अठारा किस शहर में आयोजित किया गया तो एशियन गेम्स दो अठारह दोस्तों आयोजित किया गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलम्बैग में ठीक है नेक्स्ट है मलेशिया ओपन खिताब दो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो मलेशिया ओपन खिताब दो अठारह पुरुष से कल खिताब जीत लिया है ली चोंग वी ने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट देखेंगे वह राज्य जहां सरकार ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लॉन्च किया है ठीक है तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दो में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है तो नाइजीरिया में दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में नाइजीरिया में किस भारतीय क्रिकेट क्रिकेटर ने 23 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है तो मोहम्मद कैब ने दोस्तों संन्यास ले लिया है ठीक है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से नेक्स्ट है आई वर्ल्ड अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फोर फाइनल में गोल्ड स्वर्ण जीत गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का क्या नाम है तो हीमा दास है ठीक है हीमा दास अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार आकलन दो के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो आंध्र प्रदेश दोस्तों जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान टॉप पर हासिल है नंबर वन पर आंध्र प्रदेश अगला क्वेश्चन है हमारा वह कंपनी जिसने भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है तो भारत में पहली बार इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है दोस्तों बी ने ठीक है भारत संचार निगम लिमिटेड ने अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी वह देश जिसे एक स्थान पीछे करते हुए भारत ने विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है दोस्तों फ्रांस को जो है पीछे करते हुए भारत ने विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की किताब हासिल की ठीक हो तो फ्रांस को पीछे करके भारत अब छठे नंबर पर आ गया है तो आप याद रखिएगा भारत में पहली बार किसी दूसरे देश की राज्यसभा से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले राज्य के पहले सभापति कौन बने तो पहले राज्यसभा सभापति बन गए एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं भारत में पहली बार किसी दूसरे देश की राज्यसभा से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले पहले सभापति बन गए ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में तीन शतक यानी तीन सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं तो रोहित शर्मा बन गए हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकत और पच्चीस देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है तो ये है दोस्तों पहले स्थान पर अमेरिका ठीक है अगला क्वेश्चन है फटाफट देखेंगे दोस्तों वह भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी जिसने जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है तो दोस्तों दीपा कर्मकार ने ये विश्व कब में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया ठीक है जिम्नास्टिक प्लेयर है तो या आप याद रखिएगा वह कंपनी जिसने हाल ही में नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री आरंभ की है तो सैमसंग जो है विश्व में सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री जिसने आरंभ की है नोएडा में कहाँ पे नोएडा में अगला क्वेश्चन है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया अरुणा साई को दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है फीफा वर्ल्ड कप दो खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप दो अठार की जीता फ्रांस ने ठीक है फ्रांस ने जीत लिया इस बार फीफा वर्ल्ड कप दो फीफा विश्व कप दो के गोल्डन बूट पुरस्कार विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है हैरी है दोस्तों जिन्होंने गोल्डन बूट पुरस्कार अवार्ड जीता है इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप दो में तो ये आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछा सकता है वह खिलाड़ी इसे फीफा विश्व कप दो का गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है तो गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप दो दिया में लूका मेड्रिक को ठीक है ये क्रोएशिया के प्लेयर है लूका मेड्रिक इनको मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड अगला क्वेश्चन है वह शख्स आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक ठीक है जेफ बेजोस सुलभ इंटरनेशनल द्वारा भारत के किस जिले में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है दरभंगा बिहार में दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई दरभंगा बिहार में याद रखिएगा आपकी इस क्वेश्चन में पूछा सकता एग्जाम में भूषण स्टील ने इन्हें हाल ही में अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है तो भूषण स्टील ने हाल ही में अध्यक्ष शुरू में टी वी नरेंद्र को नियुक्त किया इसको टी वी नरेंद्र को वह देश जहां विश्व जूनियर वशु चैंपियनशिप का समापन हुआ है तो ब्राजील में हुआ विश्व जूनियर जु वशु चैंपियनशिप का समापन फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई वाली हस्त सूची में शीर्ष पर कौन है फ्लायड मेवेदर मेवे है ठीक है फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई वाली हस्त सूची में शीर्ष पर कौन है फ्लायड मेवेवर वह राज्य जिसके नज़दीक चीन ने हाल ही में अपना एक मानव रहित मौसम केंद्र स्थापित किया है अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक चीन ने हाल ही में अपना एक मानव रहित मौसम केंद्र स्थापित किया है फोर्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों की सूची में दो भारतीय कलाकार कौन हैं तो अक्षय कुमार और सलमान खान ठीक है फोप्स द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों की सूची में दो भारतीय कलाकार अक्षय कुमार और सलमान खान वह राज्य जिसने हाल ही में हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की है ओडिशा दोस्तों हाल ही में हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले कप्तान का क्या नाम है तो विराट कोहली बन गए ठीक है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने वाले कप्तान कौन बने विराट कोहली ऑनलाइन स्पीड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ओकला के सर्वेक्षण में एक देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का एक स्थान है ठीक है वन वह देश जिसने हाल ही में दो वर्ष बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की है तुर्की दोस्तों अभी हाल में जिसने दो वर्ष बाद आपातकाल हटाया है तुर्की ने दोस्तों इसकी पी फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जरूर ज्वाइन कर लें दक्षिण भारत का वह मंदिर जिसमें महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने को सुप्रीम कोर्ट ने उनका अधिकार बताया सबरीमाला मंदिर जो कि कहाँ स्थित है केरला में ठीक है केरल में कॉमनवेल्थ गेम्स की भाला एक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में फ्रांस में आयोजित सोतेविले एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा वह देश जिसने अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास यूमई यानी तिब्बत में मानव रहित स्वचालित मौसम निगरानी केंद्र स्थापित किया है तो दोस्तों चीन ने वह देश जिसे वर्ष हजार उन्नीस सौ भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा तो ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही सौ रुपए के नए 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 नोट जारी किए गए कि की जाने घोषणा की गई है इसके पृष्ठभाग में चित्र अंकित होगा तो ये रानी की वाव ठीक है रानी की वाव को अंकित होगा कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो मनाया जाता है छब्बीस जुलाई को ठीक है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है छब्बीस जुलाई को वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ छठा स्थान ठीक है वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है छठा स्थान वह राज्य जहां हाल में पीपीनल नल फोनोटाइप नामक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है कर्नाटक में भारत में किस दिन सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्रहण दिखाई दिया सत्ताईस जुलाई दो को भारत में सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया सत्ताईस जुलाई दो को हाल ही में भूतपूर्व समाज सेवी कार्य के लिए रमन मैक्स से पुरस्कार हेतु तो किसे दिया गया किसे चुना गया सोनम बांगचुक को ठीक है किस राज्य सरकार ने राज्य की आदिवासी जनसंख्या को उजागर करने हेतु तो अपना पहला जनजाति एटलस जारी किया है ओडिशा ने जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जुलाई को किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए युगांडा की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किस शहर में कबीर महोत्सव अठारह का तीसरा संस्करण आयोजित होगा तो वाराणसी में होगा ठीक है कबीर महोत्सव का तीसरा संस्करण वाराणसी में होगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है दोस्तों असम गवर्नमेंट ने दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है किस राज्य सरकार ने नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने हेतु ई प्रगति को पहल शुरू की है तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नागरिकों तो को एकीकृत एक सेवाएं प्रदान करने हेतु ई प्रगति कोर पहल की शुरुआत की ठीक है आंध्र प्रदेश सरकार ने अगला प्रश्न है हमारा पश्चिम बंगाल विधानसभा ने छब्बीस जुलाई दो को राज्य का नाम बदलकर किस नाम को रखने का प्रस्ताव किया है तो ये दोस्तों बंगला ठीक है बंगला कर दिया है ये प्रस्ताव पारित कर दिया है किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना आरंभ की गई है सोलर योजना ठीक है किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा सोलर योजना आरंभ की गई है ओडिशा सरकार द्वारा आरंभ किया गया पर्यावरण हितैषी का अभियान का क्या नाम है ग्रीन महानदी अभियान ठीक है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है पर्यावरण हितैषी अभियान ग्रीन महानदी अभियान वह राज्य जहां देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरंभ किया जाएगा केरल ठीक है केरल में जहां पर देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरम्भ किया गया है केरल में अगला प्रश्न दोस्तों रूस से हथियारों की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर यह प्रतिबंध ना लगाए जाने की घोषणा की गई है सी डबल ए टी एस याद रखिएगा नेक्स्ट वह हॉलीवुड अभिनेत्री जो इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले अमीरों की सूची में टॉप रैंक पर है कायली जेनर वह ग्रह जिसके नीचे 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान व्यक्त किया गया है मंगल ग्रह पर 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान किया गया है अठारहवें सह खेलों हेतु भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष अठारह जुलाई को मनाया जाता है किस देश में दो तीरंदाजी विश्व कप चरण फोर आयोजित किया गया तो जर्मनी में किया गया है याद रखिएगा वह देश जिसने हाल ही में महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की है सऊदी अरब दोस्तों हाल में महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की है सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा छोड़े जाने वाला मिशन का क्या नाम है सूर्य का स्टडी करने के लिए नासा द्वारा छोड़े जाने वाला मिशन है पार्कर सोलर प्रोब अगला प्रश्न है वह स्थान जहां पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली का अनावरण किया दिल्ली ने ठीक है दिल्ली में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है सेवन थर्टी फोर सात सौ चौंतीस वह पत्रिका जिसमें मनोरंजन जगत के 500 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है तो वैरायटी ठीक है वैरायटी अगला क्वेश्चन है वह मंत्रालय जिसने हाल ही में मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है तो रेलवे मंत्रालय ने दोस्तों हाल ही में मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है बिहार में ठीक है विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है अगला प्रश्न है वह राज्य जहां ऑनलाइन आवर सेवा का पोर्टल लॉन्च किया गया है तो ऑनलाइन आवर सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में फिर हमारा अगला प्रश्न है वह कंपनी जिसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसे हाल ही में वर्ष दो के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है गोपाल कृष्ण गांधी को ठीक है गोपाल कृष्ण गांधी को दो के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की, की? स्कूटोइड अगला प्रश्न है वह कवि जिसे हिंदी अकादमी दिल्ली ने 2017 18 के लिए सर्वोच्च साल का सम्मान दिया है जावेद अख्तर को ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश को पछाड़कर जापान दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया चीन को पछाड़कर वह स्टेशन जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अगला क्वेश्चन दोस्तों वह देश जिसने हाइपरसोनिक विमान का विश्व में पहली बार सफल परीक्षण किया चीन ने दोस्तों जो है हाइपरसोनिक विमान का विश्व में पहली बार सफल परीक्षण किया है ठीक है चीन ने गोवा सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप आधारित टैक्सी सेवा का नाम क्या है गोवा माइल्स क्या नाम इसका गोवा माइल्स वह स्थान जहां विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ लॉन्च किया गया है विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया ये आंध्र प्रदेश में ठीक है विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ कहाँ किया गया आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर दो हजार में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है सेवन किसे हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चयनित किया गया हरिवंश नारायण को ठीक है याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे बनाया गया है हरिवंश नारायण को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लॉन्च किया है वाणिज्य मंत्रालय दोस्तों हाल ही में निर्यात मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किस उच्च न्यायालय ने राज्य में भीख मांगने को अपराध क्षेत्र से बाहर कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों भीख मांगने को अपराध क्षेत्र से बाहर कर दिया है किस राज्य में हाल ही में लोकतंत्र का त्यौहार आयोजित किया गया तो हाल ही में लोकतंत्र का त्यौहार आयोजित किया गया केरल में किस भारतीय संस्थान ने आर आई एस सी आर आई ई के नामक एक देसी चीज विकसित किया है तो ये किया है आई टी मद्रास ने ठीक है आर आई एस ई सी आर डबल ई के नामक एक देसी चीज विकसित किया आई टी मद्रास ने विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है वह देश जिसने महिला हॉकी वर्ल्ड कप दो का चौदहवा संस्करण जीता है दोस्तों नीदरलैंड ने महिला हॉकी वर्ल्ड कप दो चौदहवा संस्करण जीत लिया ठीक है नीदरलैंड ने वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पांच लाख रुपये की ऋतु बीमा योजना लॉन्च की है तेलंगाना ठीक है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ठीक है तेलंगाना गवर्नमेंट ने पांच लाख रुपये की ऋतु बीमा योजना लॉन्च की है वह देश जहां मृदा विज्ञान की विश्व कांग्रेस आयोजित की गई है तो ब्राजील ठीक है ब्राजील में दोस्तों जहाँ मृदा विज्ञान की विश्व कांग्रेस आयोजित की कहाँ पे ब्राज़ील में भारत के किस शहर में देश का पहला हंबोल्ड पेंगुइन का जन्म हुआ है तो वह है मुंबई में अगला प्रश्न है किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष बनाया गया है नांदुला रघुराम को ठीक है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन का पहल का अध्यक्ष बनाया गया है रघुराम को वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी इसने एशियाई खेलों के नाम से वापस ले लिया लियंडर पेस वह शहर जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग्स द्वारा विश्व के एक तो शहरों में किए गए सर्वेक्षण में रहने के लिए लिहाज रहने के लिहाज से प्रथम स्थान पर है तो यह वियना ठीक है वियना वह शहर जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है किचीजोजी टोक्यो वह रेलवे स्टेशन स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो जोधपुर रेलवे स्टेशन स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान मिला है ठीक है टॉप पर है अगला क्वेश्चन है किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का, का तेरह अगस्त दो को कोलकाता में नवासी साल की उम्र निधन हो गया है सोमनाथ चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है किस देश में एशियाई खेल आयोजित किया गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलम्बैग में केरल बाढ़ से निपटने हेतु दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है ऑपरेशन मदद स्टार्ट किया गया था ठीक है दक्षिणी नौसेना द्वारा ऑपरेशन मदद याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने तेरह अगस्त दो अठारह से राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण के लिए तत्काल सेवा शुरू की पंजाब सरकार ने ठीक है पंजाब सरकार ने शुरू की है अगला प्रश्न है किस राज्य कि, जिस राज्य पुलिस में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारत की पहली महिला विशेष हथियार और रणनीति टीम शामिल की गई तो दिल्ली पुलिस द्वारा इंडोनेशिया के जकार्ता में दो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज कौन थे जो नीरज चोपड़ा ठीक है उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे नीरज चोपड़ा थे रेल मंत्रालय ने आरपीएफ भर्ती में महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है पचास परसेंट ठीक है फिफ्टी परसेंट केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के कितने अतिरिक्त बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की है चार वह चुनाव जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का प्रयोग नहीं किए जाने का आदेश सुनाया है तो राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं किया तो जाएगा वह स्थान जहां नशाखोरी के खिलाफ संयुक्त सचिवालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया पंचकूला अगला क्वेश्चन दोस्तों वह देश जहां सुषमा स्वराज ने पाड़नी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है तो मॉरिशस में किया है ठीक है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के किस स्थान पर चीन द्वारा शहर बसाए जाने की घोषणा की गई है तो ग्वादर पर वह स्थान जहां भारत की पहली पार्किंग अथॉरिटी बनाई जाएगी तो बनाई जाएगी कहां मुंबई में ठीक है भारत की पहली पार्किंग अथॉरिटी कहां बनाई जाएगी मुंबई में वह राज्य जहां अभयम वन एट वन नामक मोबाइल लॉन्च किया गया है तो गुजरात में किसे हाल ही में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है सत्यपाल मलिक को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्हें बिहार का नया राज्यपाल किया गया लालजी टंडन को विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास बनाया है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इन्होंने इतिहास बनाया है ठीक है एशियाई खेलों में विनेश फोगट नेक्स्ट है किस भारतीय शूटर ने 20 अगस्त दो को इंडोनेशिया के जकार्ता एशियाई खेलों दो में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत तो पदक जीता है दीपक कुमार ने अगला क्वेश्चन है सीबीएसई ने 2020 से किस कक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव की जाने घोषणा की है बोर्ड एग्जाम में ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का क्या नाम है तो ईरान द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम है कौसर ठीक है कौसर भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं सिंडिकेट नाम से कॉलम लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखक का नाम जिनका हल में निधन हो गया कुलदीप नैयर का वह दक्षिण अमेरिकी वह दक्षिण अमेरिकी देश जिसके तेल निर्यात पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है वेनेजुएला पर भारत के किस पंद्रह वर्षीय खिलाड़ी जिसने निशानेबाजी की डबल ट्रेप स्पर्धा रजत पदक जीता है शारदूल विहान अंकिता रैना ने किस खेल में एशियन गेम्स के पांचवें दिन कांस्य पदक जीता है तीनों टेनिस टेनिस पदक में ठीक है नीति आयोग ने तेईस अगस्त दो को भारतीय हिमालयन क्षेत्र में निरंतर विकास पर विषय संबंधी कितने रिपोर्टों की शुरुआत की है तो ये पांच रिपोर्ट की शुरुआत की है फोप्स की सूची दो के मुताबिक किस अभिनेता ने सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय अभिनेताओं की सूची में दो वर्षों शीर्ष पर रहे शाहरुख खान को पीछे पछाड़ दिया है तो अक्षय कुमार ने ठीक है यह याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है राजस्थान गवर्नमेंट ने अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्ष 2018 और 19 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है झूलन गोस्वामी ने राही सरनोबत ने एशियाई खेल अठारह में पच्चीस मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है गोल्ड मेडल जीता इन्होंने वह भारतीय कंपनी जिसका मार्केट कैप पहली बार आठ लाख करोड़ के पार हो गया है तो आठ लाख करोड़ रुपए पार हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जिन्हें देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया और जो मेहलकम टर्मिनल का स्थान लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ठीक है स्कॉट मॉरिसन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक घरेलू झगड़े दहेज हत्या के मामले में किस व्यक्ति के रिश्तेदारों को पुख्ता सबूत बिना नाम नहीं किया जाना चाहिए पति को वह देश जिसके साथ भारत की सेना की हॉटलाइट स्थापित किए जाने को लेकर सहमति व्यक्त की गई चीन अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजी में किस खिलाड़ी को टॉप स्थान हासिल हुआ है तो यह हुआ विराट कोहली को वह राज्य जहां नेवी ने ऑपरेशन मदद शुरू किया है केरल में ठीक है ऑपरेशन मदद कहां शुरुआत की गई केरल में किस देश ने हाल ही में बेईडो नेविगेशन ऊपरा कार्यक्रम के तहत जुड़वा उपग्रह लॉन्च किया तो किए चीन ने वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है द्वितीय चंद्रन ठीक है द्वितीय चंद वह देश जहां वर्ष दो की विस्मटेक देशों की सूची में आयोजित की जा रही है तो ये किया जा रहा है नेपाल में ठीक है वह देश जहां वर्ष दो की बिम्स्टेक देशों की बैठक आयोजित की जा रही है तो नेपाल में आयोजित की जा रही है वह प्रोजेक्ट जिसे गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ोतरी देने के लिए लॉन्च किया है वह योजना जिससे महासागरी परियोजनाओं के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी प्रदान की ओ स्मार्ट राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस उनतीस अगस्त को मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है उद्घाटन किया नई दिल्ली में अठारहवें एशियाई खेलों की समाप्ति पर पदक तालिका में भारत का कौन सा तो स्थान रहा तो आठवां स्थान रहा ठीक है आठवां स्थान किस देश में चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित की गई तो आयोजित की गई नीदरलैंड में अगला क्वेश्चन है किसने विश्व युवा मुक्केबाजी में महिला में संतावन किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है तो जीते साक्षी चौधरी ने वोडाफोन इंडिया को किस भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ विलय कर दिया गया तो आइडिया के साथ कर दिया गया ठीक है वोडाफोन इंडिया को किस भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ विलय कर दिया गया आइडिया के साथ किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो यानी 990 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की घोषणा की है तो जर्मनी ने किया है ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इकतीस अक्टूबर को इस स्टैचू का उद्घाटन करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हो चुका इसकी है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है एक मीटर वह स्थान जहां विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान आरंभ किया गया है कैलिफोर्निया में किसे हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस रंजन गोगोई किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है श्रीलंका में किस पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास लेने की घोषणा की है सरदार सिंह ने किस भारतीय अभिनेत्री को चौंतीसवें प्रदर्शनी अकेडमी ग्लोबल अवार्ड्स के दौरान स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड सम्मानित किया गया कगना रनावत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल के क्षेत्र में जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है जिसमें मिला दोस्तों तीसरा स्थान ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल के क्षेत्र में भारत को तीसरा स्थान मिला है वह राज्य जिसकी विधानसभा द्वारा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया उत्तराखंड द्वारा किसे हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है के एन व्यास को गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ई e सहज वह रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि वर्ष दो तक मनुष्यों से अधिक रोबोट काम करने लगेंगे फॉर्च्यून ऑफ जॉब्स वह देश जिसने आर्थिक तंगी से के लिए हाल ही में मिनी बजट पेश किया है पाकिस्तान ने पेश किया मिनी बजट वह देश जहाँ विश्व की पहली हाइड्रोजन इंजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया जर्मनी में ठीक है विश्व की पहली हाइड्रोजन इंजन इंजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ जर्मनी में वह विधानसभा जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया तो गुजरात में अमेरिका ने हाल ही में किस देश से आयात होने वाले दो अरब डॉलर के माल पर दस प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है चीन ने किस देश ने पहली बार विवादित दक्षिण चीन सागर में पंडुब्बी अभ्यास किया है तो जापान ठीक है हाल ही में भारत और सार्विया के डाक विभाग ने संयुक्त रूप से किसे समर्पित डाक टिकट प्रकाशित किया है स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला फिलीपींस और किस देश में तबाही मचाने के बाद तूफान मांगखूट यानी मैंगकूट चीन में पहुंच गया है हांगकांग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के तहत वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में वह राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा उत्तराखंड अगला क्वेश्चन है इन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित ताइ, टाइम मैगजीन को खरीदा है मार्क वेनियोफ ने वह स्थान जहां भारत के किस स्थान पर पहली बार डॉग पार्क खोला गया है तो हैदराबाद में खोला गया है वह दवाएं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को हटा दिया तथा तो अब इन्हें बेचा जा सकेगा सेरिडॉन वह प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसने हाल ही में डीडीसीए की क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दे दिया है वीरन सहवाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी मानव विकास रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दो में भारत कौन सा स्थान मिला एक वह देश जिसके दो उपग्रहों को इसरो ने हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया ब्रिटेन के उपग्रहों को केंद्र सरकार द्वारा रुपए की स्थिरता हेतु हाल ही में इतने सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किए गए पांच किस राज्य सरकार ने हाल ही में नील कुरुंजी नामक पौधे के संरक्षण के लिए योजना की घोषणा की है तमिलनाडु ने किसे हाल ही में मालदीव का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया इब्राहिम सोली को वह स्थान जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है तो रांची से की है शुरुआत ठीक है वह फिल्म जो ऑस्कर दो हजार उन्नीस हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है विलेज रॉक स्टार देश जिसमें पहली बार किसी महिला ने टीवी पर शाम का न्यूज बुलेटिन दिया है सऊदी अरब में वह भाला पेक खिलाड़ी जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा जिसके एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है इंदौर को के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस यजीदी दुष्कर्म पीड़िता को संयुक्त रूप से कांगो के डॉक्टर मुगवेदे के साथ चयनित किया गया है नादिया मुराद के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन अक्टूबर अठारह को किस चीफ जस्टिस को भारत के छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाई रंजन गोगोई को चंदा कोचर के स्थान पर किसे हाल ही में आईसी आई बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है संदीप बख्शी को बनाया गया आई बैंक का एमडी और सीईओ वह राज्य जहां मुंबई के बाद स्वच्छता रेल आरम्भ की गई है दिल्ली में अगला प्रश्न है वह बैंक जिसने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का उद्यमी जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा लॉन्च किया है सिडवी ने नोबेल पुरस्कार की रसायन विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किए जाने वाले वैज्ञानिकों में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस अर्नेल्ड जॉर्ज पी स्मिथ के अलावा तीसरे वैज्ञानिक कौन है ग्रेगोरी विंटर वह स्थान जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक आयोजन किया है किया है नई दिल्ली में वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने हाल ही में वैश्विक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए संयुक्त राष्ट्र इस देश को हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों का आयोजक चयनित किया गया है तो अर्जेंटीना को हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों का आयोजक चयनित किया गया है किसे हाल ही में राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान के एन आई से पुरस्कार से नवाजा गया है डॉक्टर तपन कुमार चंद को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया जस्टिस रंजन गोगोई ने इन्होंने हाल ही में महानिदेशक एयर के रूप में कार्यभार संभाला है एयर मार्शल अमित देव वह स्थान जहां भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त तो बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास आई बी एस ए आर आयोजित किया जा रहा है सीमंस टाउन वह राज्य जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार दो अठारह का सर्वोच्च सम्मान मिला है हरियाणा वह भारतीय मूल की महिला अधिकारी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को वर्ष 2018 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें शामिल महिला वैज्ञानिक का क्या नाम है डोना स्क्रिटलैंड किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हेतु दिया गया है जेम्स पेलिसन और तास्को होंजो को दिया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के किस जिले के लिए नदी प्रदूषण समाप्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है उधमपुर किस देश ने हाल ही में पहली बार एक साथ हाइपरसोनिक विमान के तीन मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चीन ने अमेरिका और किस देश के बीच 30 सितंबर 2018 को नाफ्टा समझौते के लेकर, लेकर सहमति बन गई है तो कनाडा तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल्स में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिलाओं की रिकॉर्व स्पर्धा में लीजा उन्डू को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है तो जीत लिया कांस्य पदक वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में छिपकली की दो नई प्रजातियां मॉन्टोने फॉरेस्ट और स्पिनी हॉर्डेड फॉरेस्ट खोजी है खोजी भारत ने हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप दो में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया शिखर धवन को वह राज्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक करोड़ रुपए के निवेश के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया है गुजरात में वह राज्य जिसने चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाने की घोषणा की है असम ने वह तकनीकी जिस कंपनी जिसके साथ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लू रिव्यू अभियान आरंभ किया है गूगल के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के तौर पर कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने हेतु इस पहल का आरंभ किया है स्टैट वह देश जहां टेस्ट्यूब तकनीकी द्वारा शेर के शापकों के जन्म की सफलता हासिल की गई दक्षिण अफ्रीका में ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था लगभग इसमें टू हंड्रेड करेंट अफेयर्स क्वेश्चन थे यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडीज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर मैं आपको जी के लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ डेली सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए जय हिंद जय भारत